नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी कोचिंग क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। पहला वर्ड है आपका क्नीज। क्नीज का मतलब होता है स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है गूंदना, मतलब आटे को गूंदना। देखिए यहां पे हल्का सा साउंड दे रहा है नीड, क्नीज, नीड, ठीक है। और नीड स्क्वीज, स्क्वीज में से साउंड निकल रहा है क्विज। तो हम क्विज खेल रहे थे और क्विज खेलते खेलते हमें क्या हुई, नीड हुई, खाना खाने की भूख लगी और हमने कहा भाई खाना बनाओ। लेकिन खाना बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आटा गूंदना पड़ेगा। तो क्नीड या फिर स्क्वीज का मतलब होता है गूंदना। अगला वर्ड है वाओ। वाओ का मतलब होता है, देखिए आपका एक हीरो है सैफ अली खान, वो हर बात पे क्या करता है, वाओ वाओ। तो जो वो वाओ वाओ कर रखा है उसने, उसने प्रतिज्ञा ले रखी है कि अपने से कम उम्र की लड़कियों के साथ ही अब शादी करेगा, ठीक है। तो वाओ का मतलब होता है प्रतिज्ञा। और देखिए यहां पे एक है कोविनेंट, कोविनेंट में से साउंड निकल रहा है सीओ वैन। सीओ साहब अब क्या है, वैन में घूमते रहते हैं क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि वो अब इस शहर से, यहां पे हर जगह से कोरोना वायरस को खत्म करना चाहते हैं। तो वाओ या फिर कोविनेंट का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना। अगला वर्ड है टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है गेल। गेल का मतलब होता है दुस्साहस। तैने मेरी टी कैसे पी, तैने मेरी टी कैसे पी। अब ये क्या है, एक गेल, क्रिस गेल, ये वर्ड पहले भी पढ़ा चुका हूं। क्रिस गेल जो है इतनी तेज बॉल फेंकता है कि कोई भी उसके सामने आने का एक तरीके से दुस्साहस नहीं कर पाता है। तो टेमेरिटी या फिर गेल का मतलब होता है दुस्साहस करना। अगला वर्ड है सकर। सकर का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी भी चीज को। देखिए सकर, सक्कर, घरों में सक्कर होती है, गांव में, गांव में जो होती है सक्कर गुड़ बिकता है, वो जो है खाने के लिए बहुत से लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि इसको खाइए, इसको खाने से क्या होता है, पाचन क्रिया सही रहती है। तो सकर का मतलब होता है सपोर्ट करना। सबटरफ्यूज, सबटरफ्यूज का मतलब होता है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना। सबटरफ्यूज, सबतारफ्यूज, सबतार किसी ने फ्यूज कर दिया, किसी ने हमको धोखा दिया है, तो सबटरफ्यूज का मतलब होता है डिसेप्शन। अगला वर्ड है कुडोज। कुडोज का मतलब होता है कैचेट। कैचेट का मतलब होता है प्रशंसा करना। कुडोज जो खेलते हैं लूडो, उनकी सब क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ठीक है। और कैचेट का मतलब देखिए कैच, कैच हल्का सा साउंड दे रहा है यहां से, कैच एट, कैच इट। तो उसने कैच जैसे ही पकड़ा, लोग उसकी क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे। जगन्नाथ का मतलब होता है पावरफुल फोर्स। जगन्नाथ मंदिर भी है, वहां पे जाते हैं तो एक अलग सी पावर, एक एनर्जी का आपको आभास होता है। तो जगन्नाथ का मतलब होता है पावरफुल फोर्स। रेस्क्यू सिटेट। रेस्क्यू सिटेट का मतलब होता है रिवाइव करना, मतलब पुनः जीवित करना। देखिए यहां पे हल्का सा साउंड दे रहा है रेसु, जो रेसु नाम की लड़की है वो सीटेट की तैयारी दोबारा करना शुरू कर दिया, उसने रिवीजन करना शुरू कर दिया है, एक तरीके से पुनर्जन्म हो गया उसका, जीवित हो गई है वो एकदम एनर्जी के साथ कि अब मैं दोबारा से तैयारियों में लग जाऊंगी। फॉल्टर का मतलब होता है फ्लंडर। फ्लंडर का मतलब होता है लड़खड़ा जाना। फॉल्टर, ये आपकी फॉल्ट है, ये आपकी गलती है तभी आप लड़खड़ा रहे हो। तो फॉल्टर का मतलब, फ्लंटर का मतलब होता है लड़खड़ा जाना। मेलेडी का मतलब होता है एलिमेंट, का मतलब होता है बीमारी, रोग। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलेडी मत खाओ नहीं तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, रोग हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है जी। अगला वर्ड है म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का मतलब होता है मीम। मीम का मतलब होता है अंग भंग कर लेना। देखिए यहां पर हल्का सा साउंड दे रहा है मल्टीलेट। मल्टीलेट मतलब बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं, एकदम अंग भंग हो गया है। मैम से पूछा जा रहा है कि मैम इन लोगों को क्या हो गया, इनको म्यूटिलेट हो गया, अंग भंग करना। एनिमेडवर्जन। एनिमेडवर्जन का मतलब होता है कंडेमनेशन। ये कंडेमनेशन मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, दिस इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब आलोचना करना किसी भी चीज की, एक नेगेटिव वर्ड है। एनी मैड वर्जन, एनी मैड वर्जन, एनी का मतलब कोई और भी, मैड मतलब खतरनाक वर्जन है इस चीज का। एनी मैड वर्जन का मतलब होता है अगर है तो लोग उसकी क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। तो एनी मैड वर्जन मतलब होता है कंडेमनेशन, का मतलब होता है आलोचना करना। वैनिटी का मतलब होता है कॉन्साइट। कॉन्साइट का मतलब होता है घमंड। वैनिटी वैन, जब से कपिल शर्मा को वैनिटी वैन मिल गई है अब वो दोस्तों को दोस्त नहीं समझता, बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गया है। कॉन्साइट का मतलब होता है कौन सी आईटी में कंपनी, कौन सी आईटी में
कौन सी आईटी कंपनी में तुम्हें नौकरी मिल गई है कि तुम इतने घमंडी हो गए हो। तो कॉन्साइट का मतलब भी होता है घमंड, पिलाइट का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। पिलाइट देखिए लाइट, आपको कि कोई लाइट में लेके आया, प्लीज प्लीज कह के आपको लाइट में लेके आया और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में डाल दिया, तो पिलाइट का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। क्रिंज, क्रिंज का मतलब होता है क्राउच, क्राउच का मतलब होता है डर। देखिए क्रिंज दो क्रिंज से साउंड दे रहा है कि किरण तू है मेरी किरण, तो क्रिंज का मतलब होता है वो डरती रहती थी हर बात पे, जब भी बोलता था किरण तो उसको तो डर लगेगा ही भैया, ठीक है। तो क्रंच देखिए यहां पे हल्का सा साउंड दे रहा आउच का, क्राउच, क्राउच सी आर ओ यू सी एच, क्राउच का मतलब भी होता है डर। और अगला वर्ड है आपका ऑर्डेन का मतलब होता है एंजॉय, मतलब आदेश करना, मतलब ऑर्डेन, लोग कहते हैं ना कि डेन आपकी है, आपकी डेन है, छुपम छुपाई खेलेंगे, और डेन दिए जा रहे हो आपको तो एंजॉय आ रहा है, आदेश दिए जा रहे हो। माऊ का मतलब होता है शियर, शियर का मतलब होता है घास काटना, जो माऊ के लोग होते हैं, माऊ एक शहर है, माऊ के लोग जो होते हैं वो घास काटने में बहुत ही अच्छे हैं और वो कहते हैं हियर शियर, यहां पे हेयर, यहां से काटो घास। अगला वर्ड है सैक्रोसेंट का मतलब होता है सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, सैक्रोसंत, सैक्रोसंत, सैक्रोसंत क्या है, बहुत ही ज्यादा पवित्र है। अगला वर्ड है एरेबल का मतलब होता है टिलेबल का मतलब होता है कृषि योग्य, एरेबल, अरे अरे ये क्या एबल है, अरे ये क्या एबल है जमीन, बिल्कुल है। टिल, टिल का मतलब एक टाइम ओरिएंटेड वर्ड है, टिल का मतलब अभी तक एबल है, ये कृषि योग्य है। तो ये सारे के सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के वर्ड्स हैं ये, इनकी पूरी उम्मीद है। देखिए इंग्लिश में रिपीट होते रहते हैं वर्ड, अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो इसका मतलब आपको ये इंटरेस्ट आया होगा और आप इन सभी को वर्ड्स को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए।